बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों ते मित्रों, मेरे शेरों बबर शेरों ते बबर शेरनियों। आज मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा मसरां दी दाल इंतहाई सादे तरीके नाल, क्योंकि चैनल दी मुनासिबत दे नाल सादा माइंड किचन तो असीं तुहानू सादियां सादियां हांडियां बनाणियां सिखाने हां। क्योंकि मेरे परदेसी बहन ते भरा जिहड़े कल्ले कितले रह रहे ने, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਸ ਲਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਕੋ ਜ਼ਰਾ ਮਸੂਰ ਕੀ ਦਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਧਾ ਕਿਲੋ ਮਸੂਰ ਕੀ ਦਾਲ, ਔਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਸਾਲਟ ਹੈ, ये प्रमिक हल्दी है, ऐ ने कालियाँ मिर्चा। बब्बर शेरों सिर्फ तीन इनग्रीडियंट ये पैने ने। उस तो पहले तुसी ये पानी तुसी पा लिया पहले, तो यह जी पानी पै गया हूँ। तुसी इंज करो कैमरामैन जरा लाइट नू इग्निशन इग्नाइट किया, मतलब जलाया उन्हों। तो बब्बर शेरों इंज करके तुसी हुण एक चमचा मैला बना पाया। तो आपको जैसे पता है कि ये बड़ा मशहूर मुहावरा है कि ये मुंह और मसूर की दाल, ये मैं पकाते पकाते आपको इसकी पूरी तफसील भी बताऊंगा, जैसे कि मौलाना तारिक जमील साहब ने हमें बताई थी कि कैसे ये मुहावरा बना। तो एलो बाबा जी, ऐसे करके तुसी दाल हल्की हल्की करके ना, तो इनू लैनी है दाखल बेचकी कर देना। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्वाखिर, सर जैके ते रब दी जात सच्चे सोने साईं नहीं देने ने, तुसी सिर्फ सफाई का ख्याल रखना है। ते बिस्मिल्ला पढ़ के वल्वाखिर करके ते शेरे बबरो ते बबर शेरनियो इस तरह करके तुसी इनू ऐड कर देनी है दाल। ऐ देखो कैमरामैन दा व्यू विखाया जा रहा पूरा बिल्कुल, ते कैमरामैन दा प्लीज इस तरह करके थोड़ा जहाँ पानी ऐड कर लेना तुसी, ते ऐ पूरी दाल जड़ी है तुसी इहदे विच। हुण ऐ मैं तरीका इसलिए तुहानू शेयर करना चाह रहा, वेखो मुख्तलिफ तरीकां दे नाल दालां पकदियां ने, दालां पकदियां ही आईयां। ऐ जी ब्लैक पेपर है, कैमरामैन जरा प्लीज़ इन्हां नूं दिखा दित्ता जाए। साल्ट हसबे ज़ायका तुसी पा लैणा, लेकिन यह साडे कोल वन खाने वाला चमच है, ते दो खाने वाले चम्मच काली मिर्च ऐड की थी है, ते ट्रमिक हल्दी ऐड की थी है। ते मेरा मेरे कुलीग मेरे भाई मेरे दोस्त भाई साजिद वास्ते मैं डेडिकेट कराऊंगा मसूर दी दाल, क्योंकि बेचारे इतने बैचलर गुजार रहे हैं, तो उन्होंने कुकिंग का शौक भी है और बड़े इंट्रस्ट के नाल पकाने भी ने, ते मैं उन्होंने जरूर डेडिकेट कर रहा रेसिपी, क्योंकि फिर इंशाल्लाह इन फ्यूचर बना के तो फिर दसनगे, क्योंकि उन्होंने अक्सर बड़ा कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, बड़े खाने पीने वाले बड़े जीदार बड़े दलेर आदमी ने। बस ए इन्ना काम हो गया, हुण इन्हें तुसी पकन वास्ते रख देना। इस तरह तुसी ढकना ला देना, तुहानू पता है मैं अपनी हर 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 हांडी पकाने तों दसना कि इन्हें लौंग दे नाल बंद करना, लेकिन इन्हू नहीं जे करना, इन्हें पानी ने उबाले मारना, तो सारा तुहाडा चूल्हा भी खराब कर देंगे और सारा कुछ कर देंगे। हुण तुसी इह देखो किड्डा ईजी तरीका है कि दाल जी दो घंटे दो ढाई घंटे पानी भिगो लिया, भिगोन तो बाद पानी जो पाया तकरीबन ढाई तीन गिलास पानी होना, मतलब दाल में डुबनी चाहिए कम से कम इन्नी इन्नी दो तीन तीन पोटे जी दाल में डुबी होनी चाहिए तुसी पानी दे विच, ते तुसी की पाया दे विच कुछ भी नहीं किया बब्बर शेरो, तो मेरी बब्बर शेर नहीं कुछ है नहीं ये पाई, तुसी इहदे विच सिर्फ नमक ऐड किया हसबे ज़ायका जिन्हों वन खाने वाला चमच, दो जनाब तुसी काली मिर्चा के चमच पाए ने, ते हल्दी थोड़ी जी क्वार्टर खाने का चमच तुसी ऐड किया ते रख दिता जाएगा। इनू 25 तो 30 मिनट तक पकन दिओ। पहले नंबर ते कैमरा अंदर रख दिखाओ, पहले नंबर ते बाला आन तक अग तेज़ रखनी है, फिर इनू पकन देना, ते फिर तुहानू मिलने इंशाल्लाह जदों पानी सुकन तो बाद तुहानू दसने आ। उन्नी देर तक तुसी लसन कट के बारीक बारीक ते तड़के ऐसे तैयार कर लो। शेरे बबरो, जिस तरह के तुहानू दस्सिया सी कि दाल मिनटों मिनट तैयार होने वाली है, देखो इस तरह तुसी टक लेना इन्हू माशाल्लाह टकने नू, देखो क्या खूबसूरत ये मूंग और मसूर की दाल तैयार हुई है।
देखो माशा ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। सुबहान अल्लाह, थोड़ा जहाँ पानी बाकी है इन्हों से हम इन मिक्स एंड कर लाँगे। जो जो ठंडी होनी है इन्हें सुबहान अल्लाह सुबहान तेरी कुदरत भाई जी। दाल के नाल अगर चिट्टे चौल बने हो तो की मजे आने। मैं तुम्हें अपने अल्फाज के बयान नहीं कर सकता, लेकिन इन्ना जरूर कह सकना कि करी बना के ट्राई करो। देखो लसन असी ले लिया, सातों अठ तुरियां होंगे लसन ले लिया ने, तो यह तरह दिखाओ यह एक बड़ा पकाने वाला जो चमच होंगे खाना पकाने वाला चमच आयल जरा वो ऐड किया, जिन्होंने एक डोई भी कहा जाता है या खाना पकाने वाला चमच कहा जाता है, वो तुम ऐड कर लेना। इन्हों तुम तड़का ला लेना। तुम अब देखते रहे हो कि सिंपल तरीका है। कैमरामैन जरा दाल वाले तरह थोड़ा जहाँ ध्यान कराया जाए। यह दाल है ऐसी पानी रख लिया चावलों का, वाइट चावल इतने तैयार हो गए इंशाल्लाह, तो पक्का जी अपने प्रेजेंटेशन से तुम दिखाया जाएगा। हाँ जी, ये कुछ लाइट ब्राउन होंगे पे इन थोड़ा जहा और ब्राउन करना, ज़्यादा यदि तुम्हें नहीं ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। देखो माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। तुम हूँ इस तरह लेना है, कैमरामैन जरा प्लीज़ देखना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करना इस तरह दाल भी पा लेने। देखो सुभान अल्लाह, हम तुम सिर्फ चार तो पाँच मिनट अस दम से ला देने तो दाल तैयार है। देखो माशाल्लाह तो चेक करना, बड़ी जबरदस्त एंड ठीक दाल तैयार हो चुकी है। यह देखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम तुम इन दम ला देना तीन तो चार मिनट से, उन्नी देर तक चावल रेडी हो जाएंगे। कैमरामैन जरा प्लीज़ चावलों को दिखाना, यह चावल ने पक रहे हो जाएंगे तो प्रेजेंटेशन तो तुम्हें मिलने। अपना तो अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह देखो जी मेरे बब्बर शेर हो तो बब्बर शेरनी है। देखो माशाल्लाह दाल पक के कड़ी सोहनी तैयार हो चुकी है। यह देखो नाल मैंगो का अचार, मर्च, गाजर, मूली, यह शहजादे लसूड़े, यह मैंगो नाल सैलड है, नाल वाइट चावल ने। यह देखो इंशाल्लाह कैसी थिकनेस वाली दाल तैयार हुई है। हूँ असी ये थोड़ी जी दाल पाई जाएगी, चेक करो माशाल्लाह। तो मैं सर तो सारे भैन भरावान दरखास्त करांगा कि एक बार ये ट्राई करो, बहुत इंस्टेंट और बहुत जल्दी और आराम नाल और बड़ी मज़ेदार, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, बड़ी मज़ेदार तैयार होंगी है। एन जी तुम नाले दे नाल थोड़ा सैलड विच पा लेना है। देखो इस तरह करके दे उते सैलड ऐड करना है, चमचा मैं यूज़ नहीं करता। यह देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाल तुसी है मैंगो दी एक छोटी जी फाड़ी नाल रख लेनी है। यह देखो इंशाल्लाह देखो कड़ा खूबसूरत तैयार हो गया। अपना ते अपने आसपास दे लोगों का ख्याल रखो, तो इंशाल्लाह ट्राई जरूर करियो। अल्लाह हाफिज़।